तो भाई ये जो तुम लोग वीडियो देख रहे हो कब की है, जब हमारे अम्मी अब्बू के बिस्तर पे और अलमारियों वगैरह पे वॉमिट हो रही थी। और उसके बाद जो तुम लोग वीडियो देखोगे वो जब की है, जब हम लोग अपना घर में सामान समेट करके बुलाने वाले घर में, तो वो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अलग ब्लॉग। तो भाई तुम लोगों ने पिछले ब्लॉग में से देखा होगा कि हमारे जो मम्मी पापा का बिस्तर है उस पर मॉर्निंग शॉर्ट्स भी थी, तो सही ना। और आज मॉर्निंग आ गया है कि जब मैं अपने घर में जा रहा हूँ आज रहने के लिए, सही ना। और मेरे बड़ों भाई वहीं पर आ रहे थे, तो आज मैं जा रहा हूँ वहीं पर रहने के लिए। वो देख सकते हो कल मैं यहाँ पर सोया था, जिसका मैं यहाँ मतलब गगिया वगिया बिछा के, और मैं ये कम्बल भी ले जाऊँगा, बाकी थोड़ा सा और सामान मैं वो लेके जाएंगे। और देखते हैं कैसा कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस, के पहले का पहले गाँव वहाँ रहने जा रहा हूँ आज। वो चलते हैं, अभी को पापा गए हैं नाश्ता लेने के लिए, फिर नाश्ता लेके वहाँ जाएंगे और वहाँ नाश्ता करेंगे, और तुम लोगों को दिखा भी दूंगा कि वहाँ पे और क्या क्या काम हो सकते हैं। तो भाई मेरा हो सकता है ये आज इस घर में आखिरी ब्लॉग हो, तो यार तुम लोग को पूरा घर एक बार दिखा देता हूँ आखिरी ब्लॉग, कि मतलब कैसा है अभी हमारा पूरा घर, किस तरीके का हो चुका है। भाई ये एक कमरा देख सकते हो, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा सामान है, कुछ ज़रूरी सामान है, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का जो होगा ना फालतू सामान बहुत पड़ा हुआ है। और देख सकते हो पूरे कमरे से एसी, हमारी लाइट तक उतर चुकी है ना। पीछे लेके चलता हूँ भाई, तुम लोग को याद होगा यहाँ पे हम लोगों ने मुर्गियों के पिंजरे सेट किए थे भाई, वो मुर्गियाँ भी हमारे यहाँ से जा चुकी हैं, सही ना। यहाँ पर सेट हुआ हुआ था, बाकी ये अभी तुम लोग को मैंने देखा ही होगा भाई, ये हलक की बिछाई की पूरा शेड खुल चुका है हमारा पीछे का, सही ना। यहाँ बच्चे वगैरह भी घूम रही थी, बच्चों को भी हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। बाकी तुम सबको याद हुआ कि यार पीछे का हरे कलर का शेड लगा हुआ था ग्रीन हाउस, वो भी हम लोगों ने उतार लिया है। और ये हमारा आगे का गार्डन तुम लोग देख सकते हो, ये भी पूरा खाली हो चुका है, सही ना। तो क्या हम लोग पॉइंटर लेके ये जगह भी खाली हो चुकी है, यहाँ से भी सारा सामान उठ चुका है। और इसके साथ साथ हाँ भैया वो ये रहा इससे कहीं, और ये हमारा ड्राइंग रूम है आपका पूरा ही खाली हो गया है, आवाज़ भी गूंज रही होगी यहाँ पे मेरी, तुम लोग को सुनाई कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पर आवाज़ बोल रहा गूंज रही है। उससे पहले मैं ये काम कर लेता हूँ कि जितने भी हमारे जो मतलब कपड़े वगैरह रह गए हैं उन सबको पैक करके उस घर में ले जाता हूँ, सही ना। और यहाँ मेरा कम्बल रखा है, इसका मैं वो भी देख लीजिए मैं, तो पहले एक बड़ी थैली ढूंढते हैं भाई, ये थैली थोड़ी छोटी है, बड़ी थैली पास करूँगा। जो हमारे जो गंदे कपड़े हैं धुलने के वो मैं एक जगह डालूंगा, और बाकी जो दूसरे कपड़े हैं वो एक जगह डालूंगा। You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. भाई यहाँ पे जो सारा सामान का मैंने उठा लिया है, सही है। आप चलते हैं बराबर बजे समझ में, और आप इसका सामान भी होकर उठाते हैं। यहाँ कुर्सी पे थोड़े से कपड़े पड़े हुए, ये उठाने और ये भी उठा के लेके जाने, उसके लिए अलग से खैनी लेनी पड़ेगी, जिसमें कपड़े रख के लेके जाऊँगा, तो मैंने खैनी लेके आते हैं और इन कपड़ों को पैक करते हैं। तो भाई इस कमरे में यहाँ पे स्टेज पे चिपके कपड़े थे, इनके जो कपड़े यहाँ से ऐसे पड़े हुए थे घूमने वाले, उस सब मैंने उठा लिया, बस एक खुली है जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगा घर, ये पहनी है काम आती है, वो निकल के नाश्ता वास्ता लेके हम वहाँ पहुँचते हैं। तो भाई घर हम पहुँच गए, सही ना। मैं तो सबसे पहले मुर्गी रखता हूँ छत पे, फिर छत पर हमें मुर्गी और पौधे रखे तो वो दिखाता हूँ। हमारी छत के ऊपर एक छोटी छत है, वहाँ पे सारी मुर्गियाँ और पौधे रखे हुए, कैसे नजर भी आ रहा होगा यहाँ से, तो ऊपर चलता हूँ चलते दिखाता हूँ। सामने मुझे कैंटीन नज़र आ चुकी है, कुछ ना कुछ तो बोल रही है वो। हाँ भाई क्या हुआ है? यहाँ पे एक अलग सा पूरी मुर्गियों का, सही ना। हाँ मुर्गियों के पिंजरे वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे टर्की को हम लोग देख सकते हो बने हुए हैं, और यहाँ पे बाकी मुर्गियाँ बनी बनी हुई हैं, और यहाँ पे सब चीनी मुर्गियाँ हैं। यहाँ पे मुर्गियों का छोटा सा मतलब एक एरिया में उन्होंने मुर्गियों का सेट कर दिया है, और वहीं पर साइड में हमारी जो बच्चे हैं वो भी खेल रहे हैं वहाँ पे पानी खेल कर। बड़े टाइम के बाद बच्चों को हम लोगों ने खोला है, उसमें जो गरबा बना हुआ है यहाँ पे बनी हुई भी की, तो इनके लिए हम लोगों ने अभी छोटा सा गब्बा रखा है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बच्चे ये लोग इतनी मजे से खा रही हैं, तो खुला छोड़ भी नहीं सकते, कोई ऐसा उन्हें शेड नहीं बना हुआ, तुम लोग देख सकते हो ऊपर पूरा ओपन एयर है, और ये जवार भी बराबर वाले घर के बहुत छोटी सी है, तो ये लोग उड़ लगे इससे हम लोग इनको भी खुला छोड़ नहीं सकते। साइड हम लोग का मुर्गियों का सेटअप बना हुआ है सीधा, और उसी के बराबर में मम्मी ने अपना बनाया हुआ है पौधों का सेटअप,
ये कॉर्नी फ्लावर के पौधे हैं, ये जो है शिमला के पौधे हैं, शिमला मिर्च के हैं। तो वही ये जो देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं। ये हरी प्याज रखी हुई है, पॉट देख रहा हूँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें भी सीड्स गले में, वो जब इनमें जमिनेट होंगे तो वो भी दिखाएंगे। और बताओ कौन से? ये बैंगन का है, ये जो पौधा है ये वाला, ये बैंगन का पौधा है। इसके बराबर में देख सकते हो ये टमाटर का पौधा है, इसमें फल भी आए हुए, देख सकते हो फल भी है इसमें। ये कौन सा अम्मी? ये पौधा जो तुम लोग देख रहे हो ये वाला, ये आम का पौधा है, बहुत छोटा है, इसको बहुत टाइम लगेगा जमीन में खोने में। ये तो टमाटर आए हुए, वो कौन से? वो पपाया है। और देख सकते हैं पपीके का पौधा है, उसके बराबर में चीकू का है, और इसी के बराबर में जो तुम लोग देख रहे हो ये वाला, ये पपीके का पौधा है पूरा, चीकू का। उसके बराबर में जामुन का है, और उसके बराबर में ये वाला जो तुम लोग देख रहे हो ये जामुन का पौधा है। और पीछे कौन कौन से? वो भी सारे लहसुन की सीडलिंग्स लगी है, वो है सैंपलिंग। तो पीछे तुम लोग छोटे छोटे पौधे देख रहे हो, उसमें उसमें लहसुन उग रहे हैं सब में। और ये देखो ये मिर्चे हैं, ये मिर्चों का पौधा है, ये भी हरी मिर्चों का पौधा है, ये भी हरी मिर्चों का पौधा है। स्ट्रॉबेरी का है बिल्कुल, ये देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का पौधा है, इसके अंदर एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी भी आई हुई है, देखो देखो छोटी सी स्ट्रॉबेरी आ रही है प्यारी प्यारी सी। तो भाई ये एक सेम का पौधा निकल रहा है, हमने इस पर डाला था एक सीम डाला था, तो उस पर से देख सकते हो एक पौधा निकला है सेम का, इसकी पूरी बेल होती है, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह पूरी जगह फैला देंगे जब यहाँ पे शेड बन जाएगा। सेम के पौधे के बराबर में है हमारा गोभी का पौधा छोटा सा, और वो भी गोभी है, और वो भी गोभी है जो आप, और ये बड़ी टाइम में भी गोभी है। ये छोटा सा सर्कल बना हुआ है इस वाली छत पे सही ना, और ये जो खाली रहेगी यहाँ पे हम अपना बारबेक्यू का एरिया बनाएंगे, यहाँ पे हमारे बिस्कर के सिकारे बन रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ये बिस्कर पे लगेंगे सारी चीज़ें, वहाँ पे और चीज़ें भी बन रही हैं, बाकी वहाँ सिकारे भी रखे हुए हैं ये रहे बहुत सारे, उसका भी पेंट होगा गोल्डन कलर का जैसे इसमें हुआ हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने एक कमरा सेट कर दिया हमारे सोने वाने के लिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इनके ऊपर बोलने की छोड़ी है, बाकी मैं दिखा चुका हूँ अगर वीडियो दिखा दूँगा तुम लोग को, जो बोलने छोड़ी थी इसकी मैंने वीडियो बनाई थी कमरे में, जो बिस्तर वगैरह में बोलने छोड़ी थी, वो मंजिल लेकर चलता हूँ उनका पूरा घर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने सेट किया है अभी का। तो भाई इतना घर सेट हो चुका है, हम लोगों ने अपना किचन सेट कर दिया है, यहाँ टेबल सेट हो चुकी है, और यहीं पे फ्रिज भी है, वहाँ पे वो अलमारी जो बॉलने छुई के वो रख दी गई है, बाकी ड्राइंग रूम में इतना सेट नहीं हुआ है सही ना, ड्राइंग रूम में अभी फैला हुआ है पूरा सामान, ये भी हल्के हल्के सेट होगा। एक कमरा है मम्मी पापा का जो सेट हो चुका है, देख सकता हूँ वो दिखाता हूँ ये देखो भाई, अम्मी पापा का पूरा कमरा सेट हो चुका है सही ना, अलमारियाँ वहाँ पर रख दी गई हैं, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल रख दी गई है, यहाँ बिस्तर आ गया है, साइड टेबल भी आ गई है, तो मतलब कमरा मम्मी पापा का सेट हो गया है। हम लोग का भी बिस्तर ये बनाए तो जब बिस्तर बन जाएगा तो हमारे भी कमरे में हमारा बिस्तर लग दिया जाएगा, जो ऊपर से कारे वगैरह बन रहे हैं सब हमारे बिस्तर पे ही लगेंगे, वो तो जब बिस्तर पे लग जाएंगे तो बिस्तर नीचे आ जाएगा। तो भैया हमारा कमरा सही है, देख सकते यहाँ पे बिस्तर भी लगानी है, गड्ढा नीचे जमीन पर रखा हुआ है, यहाँ पे हमारी जो कंप्यूटर टेबल हमने यहाँ पे रख दी है, और कंप्यूटर भी एक दूसरी जो एक्स्ट्रा टेबल की उस पर रख दी गई है, और मैच चल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में न्यूजीलैंड का, वो देखते हैं बैठ के।